हेलो, कैसे हो आप लोग? फैंटास्टिक, ग्रेट। चलो आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं फ्रेजेस एंड क्लॉजेस पार्ट 2 की। तो फर्स्ट वीडियो हमारी है नाउन फ्रेज, सेकंड है एडजेक्टिवल फ्रेज, और दिस वन योर एडवर्बियल फ्रेज। तो आज का क्लास मजेदार होने वाला है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट एन एडवर्ब इनटू एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, एडवर्ब हमारे सेंटेंस का जो होता है ना, बड़ा ही डेकोरेटिव पार्ट होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेकोरेटिव पार्ट कैसे होता है? बिना एडवर्ब की सही जानकारी के हम इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश लिटरेचर की सुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो इसके पे, एडवर्ब पे मैं बेसिकली दूसरी वीडियोस भी बनाऊंगा जो केवल और केवल आप लोगों को समर्पित होंगे। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि वीडियो के लास्ट में मैं एक स्लाइड दूंगा जिसमें पार्टिकुलर वर्ड्स के कैसे वो उसका इक्वल एडवर्बियल फ्रेज है, उसे जरूर देखना। ठीक ना, चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। स्टार्ट दिस क्लास। देखो भाई, तो यहां पे आपने एडवर्बियल फ्रेज को देखना है। एडवर्ब फ्रेज कैसे बन रहा है? एडवर्ब से, ये एडवर्ब की सीरीज है। ठीक, यहां कुछ ट्रिक है, तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है कि एन एडवर्बियल फ्रेज। ओके, ये आपका सेकेंड है फ्रेजेस एंड क्लॉजेस का सेकेंड पार्ट। एडवर्बियल फ्रेज में देखेंगे ये एडवर्बियल फ्रेज ये फंक्शन करेगा एज एन एडवर्ब। एडवर्बियल फ्रेज विच फंक्शन, एडवर्बियल फ्रेज विल फंक्शन लाइक एन एडवर्ब। तो आप जानते हो कि फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, नो डाउट ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, लेकिन इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में वर्ब नहीं होगा। ठीक ना, इसमें वर्ब नहीं होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे। तो एडवर्बियल फ्रेज बनाने की कुछ ट्रिक यहां पे लगाया हुआ है। एडवर्ब कैसे बनेंगे? प्रीपोजिशन प्लस ओडब्ल्यू। देखो, ये प्रीपोजिशन प्लस ओडब्ल्यू लिखा, ओडब्ल्यू का मीनिंग हो सकता है कि ये आपकी एडजेक्टिव हो, नाउन हो, या प्रोनाउन विच इज कमिंग एट द प्लेस ऑफ नाउन। फाइन, तो चलो यहां कुछ सेंटेंसेस की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। कैसे ओडब्ल्यू पुट करते हैं वो देखते हैं हम लोग। देखो यहां पे है, आंसर दीज क्वेश्चंस ब्रीफली। ब्रीफली का मतलब लिख दो, ब्रीफली की मीनिंग लिख देंगे वो अपने आप फ्रेज हो जाएगा। कैसे भाई? देखो, आंसर दीज क्वेश्चन ब्रीफली है, तो ब्रीफली का क्या आप लिख देते हैं? इन अ फ्यू वर्ड्स हो गया। आंसर दिस क्वेश्चन इन अ फ्यू वर्ड्स। तो इन अ फ्यू वर्ड्स, इन प्रीपोजिशन है, अ फ्यू ये आपकी एडजेक्टिव है, वर्ड्स नाउन है, वो ना प्रीपोजिशन प्लस ओडब्ल्यू। तो प्रीपोजिशन का इंसर्ट होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखो, ड्राइव योर कार कॉशसली विथ केयर। ओके, विद केयर। नेक्स्ट है, द मास्टर कॉल्ड लाउडली। लाउडली ये सभी एडवर्ब्स हैं आपके, ये टोटल एडवर्ब है। इन्हीं एडवर्ब को हम यहां पे क्या करेंगे? इन्हीं एडवर्ब को यहां पे हम एडवर्बियल फ्रेज में इंसर्ट करेंगे। लाउडली, द मास्टर कॉल्ड इन अ लाउड वॉइस। लाउड वॉइस, द मास्टर कॉल्ड इन अलाउड वॉइस। तो इन अलाउड वॉइस दैट मीन्स लाउडली। तो लाउडली एडवर्ब हो गया और इन अलाउड वॉइस एडवर्बियल फ्रेज हो गया। अब देखो, आई रिमाइंडेड यू फ्रीक्वेंटली। आई रिमाइंड फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या हो जाएगा? अगेन एंड अगेन को फ्रीक्वेंटली कहते हैं। आई रिमाइंडेड यू अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन,
हो गया एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। अब देखो वायलेंटली, द मॉब अटैक वायलेंटली, वायलेंटली का क्या हो जाएगा, विथ ग्रेट वायलेंस, विथ ग्रेट वायलेंस। बस करना कुछ नहीं है, आपको एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना है। ऑलरेडी एडवर्ब आइडेंटिफाइड था यहां पे हमारा, और इसकी मीनिंग को लिख देना है। अगर इसकी करेक्ट मीनिंग को आप लिख देते हो, एडवर्बियल फ्रेज सबसे आसान एडवर्बियल फ्रेज है आपका, ठीक ना। कोई गेम डांस इसमें नहीं है, ठीक ना। देखो भाई, अब इमीडिएटली, कॉल मी इमीडिएटली, इमीडिएटली का क्या होगा जल्दी बताओ, एट दिस वेरी मोमेंट, एट दिस वेरी मोमेंट, हो गया। एवरीवेयर गॉड इज प्रेजेंट, एवरीवेयर, एवरीवेयर लिखा होगा, एट ऑल प्लेसेस, राइट। गॉड इज प्रेजेंट एट ऑल द प्लेसेस, बस उसकी मीनिंग है, एवरीवेयर की मीनिंग है ना, और ऑल। अब देखो आप यहां पे, अब है आई वॉज हियर, तो हमने देख लिया था गॉड इज प्रेजेंट एट ऑल द प्लेसेस, ऑल द प्लेसेस एवरीवेयर की क्या थी, एवरीवेयर की मीनिंग। जो हम क्या करेंगे, एडवर्ब को आइडेंटिफाई, एडवर्ब आपका अंडरलाइन रहेगा, क्वेश्चन लिखा रहेगा, कन्वर्ट दिस अंडरलाइन एडवर्ब्स इनटू एडवर्बियल फ्रेज। कुछ नहीं करना है, आंख बंद करना, सॉरी आंख बंद करके तो लिख नहीं सकते ना, ठीक है। आपको बस उसकी मीनिंग एग्जैक्ट लिख देनी, उसकी मीनिंग क्या होगी, लिटरली मीनिंग, दैट इज योर एडवर्बियल फ्रेज। तो देखो एवरीवेयर का एट ऑल द प्लेसेस, यहां पे आई वाज हियर लास्ट नाइट, हियर। अब हियर यहां पे एडवर्ब है, तो हियर क्या क्या हो जाएगा, एट दिस प्लेस, हो गया आई वाज एट दिस प्लेस लास्ट नाइट। फर्स्ट अब है माय फ्रेंड वाज देयर, देयर का literally meaning at that place होगा, तो क्या हो गया, at that place first। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो, आज की वीडियो माइंड में जबरदस्त और दिमाग में जाने लायक लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स और उनके रिलेटिव्स तक जरूर शेयर करें, और मेरे सब्सक्राइब को थोड़ा सा बूस्ट अप करना है। तब तक के लिए इंतजार करें मेरे नेक्स्ट वीडियो की, जो कि बूम वाली वीडियो होगी। टिल देन, बाय ऑल ऑफ यू।